अस्सलामुअलैकुम। हमारा प्रोग्राम है 12.11। इसकी स्टेटमेंट है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट फाइव नंबर विद देयर क्यूब्स यूजिंग डू वाइल लूप। आपने फर्स्ट फाइव नंबर डिस्प्ले करवाने हैं और उनके साथ उनका क्यूब यूजिंग डू वाइल लूप। तो बस करें, आपके फर्स्ट फाइव नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 और इनके साथ क्यूब आना चाहिए। देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है और 5 का 125 होता है। ऐसा हमने आउटपुट देना है, फर्स्ट फाइव नंबर और साथ उनका क्यूब। इसके लिए हम यूजिंग डू वाइल लूप। ये प्रोग्राम हमारा है जी, और नंबर है 12.11 और आपने ये डू वाइल लूप से करना है। डू वाइल लूप और ऐसा आउटपुट हमने डिस्प्ले करवाना। 1 के साथ 1 का क्यूब है, 2 के साथ 2 का क्यूब है, 3 के साथ 3 का क्यूब है, 4 के साथ 4 का क्यूब है, 5 के साथ 5 का क्यूब है। तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो एक वेरिएबल हमें चाहिए, इंटीजर टाइप हम सी लेते हैं। सी एज ए काउंटर वेरिएबल भी यूज हो जाएगा और साथ इसका क्यूब भी डिस्प्ले कर देगा। तो आप देखें, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से हो रही है, 1 से, और एंडिंग वैल्यू कहाँ हो रही है, 5। तो इसको हम 1 वैल्यू देंगे, असाइन करेंगे, और क्योंकि ये डू वाइल से तो ये हम लगाएंगे डू और उसकी बॉडी के अंदर, उस लूप की बॉडी के अंदर इस आउटपुट के लिए, यानी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 हम फॉर्मेट स्पेसिफाई देंगे %d, और थोड़ा सा गैप डालेंगे तो बैक स्लैश टी का यूज़ करेंगे। और फिर इस आउटपुट के लिए जो इधर आपका आ रहा है क्यूब जो आ रहा है नंबरों का, उसके लिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करो। आप देखें कि ये एक लाइन प्रिंट करने के बाद आपका जो कर्सर है वो नीचे आएगा नेक्स्ट लाइन पर, उसके लिए हम बैक स्लैश एन का यूज करेंगे, डबल कोट्स सिंगल कोट्स। ये जो है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने बताया कि इनके लिए है, तो ये जो सी वैल्यू लेके आएगा हर दफ़ा बढ़ती जाएगी इंक्रीज हो, उसके लिए है। और ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि क्यूब आउटपुट देगा, तो वो आपको पता है सी का क्यूब हम बनाएंगे C मल्टीप्लाई C। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस जगह डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, और जो इसका आउटपुट क्यूब का आएगा वो इस जगह डिस्प्ले हो जाएगा, साथ आप नेक्स्ट लाइन पे आते जाएंगे। तो C की हर दफा वैल्यू इंक्रीज करने के लिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 का इजाफा हो तो यहाँ हम इंक्रीमेंट लगाएंगे और इसको, इस बॉडी को हम यहाँ क्लोज कर देंगे। तो कंडीशन जो है डू वाइल में, आपको पता बॉडी के बाद में आती है, तो वाइल यहाँ लिखेंगे हम, सी को कंपेयर करेंगे लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमारा एंड पॉइंट 5 है, 5 तक हम जाएंगे और एंड पे सेमी कोलन लगाएंगे। गेट, अब मैं आपको समझाता हूँ ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। सी की वैल्यू 1 है, वो आपका C का 1 प्रिंट हो जाएगा, साथ C का क्यूब C मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई C,
उसका क्यूब भी साथ ये डिस्प्ले हो जाएगा, 1 का क्यूब 1। और साथ आप बैक स्लैश एन की मदद से आप नीचे आ जाएंगे अगली लाइन पे यहाँ, उसके बाद सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, वो 2 5 से कंपेयर होगा आपकी ये कंडीशन ठीक है, ट्रू है, ये आपकी कंडीशन ट्रू है। उसके बाद दोबारा कंट्रोल आपका गया इसमें, तो ये 2 प्रिंट हमारा हुआ ये वाला, ठीक है। उसके साथ उसका जो क्यूब है वो प्रिंट हुआ, साथ ही आप नीचे आ गए, ठीक है। और उसके बाद वो 3 वैल्यू 3 कंपेयर हुई 5 से, वो भी आपकी वैल्यू 3 लेस है 5 से, और दोबारा कंट्रोल लूप की बॉडी में गया तो 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। सी की वैल्यू 3 प्रिंट हुई और साथ ही उसका क्यूब प्रिंट हुआ, साथ में ये गैप आ रहा है टैब की वजह से, ये वाला टैब जो हमने यूज़ किया इसलिए। उसके बाद आप नीचे आ गए, उसके बाद ये 4 हो जाएगी, 4 कंपेयर 5 से होगी, वो भी ठीक है। उसके बाद दोबारा आप लूप की बॉडी में चले, फिर उसी तरह 4 प्रिंट होगा, साथ ही उसका क्यूब प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीज उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 कंपेयर होगा, 5 भी कंडीशन 5 चेक होगा तो वो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन आपकी फिर ट्रू है। तो ट्रू होने के बाद दोबारा कंट्रोल आपका 5 प्रिंट होगा, इसका 5 और क्यूब उसका इस जगह, तो आप नीचे आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। अब आपका आप इधर आइए, 5 और 125 प्रिंट करने के बाद आपका इधर आ गया कर्सर, और आप 6 हो जाएगी। 6 कंपेयर जब होगा तो ना आपकी ये कंडीशन आप फाज होगी, ना तो वो 6 लेस से ना इक्वल है 5 के, तो ये आपकी कंडीशन फाज होगी। तो जब फाज हो जाएगी तो कंट्रोल इसका इस बॉडी में नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, इसका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा फाज होने के बाद। तो वहाँ गैच है, गैच का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद प्रोग्राम हमने क्लोज किया, तो इस तरह ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कहता हूँ एक आप इसका मुझे बना के प्रोग्राम डू वाइल लूप की मदद से दें। आउटपुट मैं कहता हूँ कि जी आप करें जी स्टार्ट 5 से, 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9 और उसके बाद 11 और साथ इनका 13, साथ इनका क्यूब आना चाहिए, 5 का क्यूब जो बनता है इधर आए, 7 का क्यूब इधर आए, 9 का क्यूब इधर आए, 11 का क्यूब इधर आए और 13 का क्यूब इधर आए। तो इसका आप प्रोग्राम मुझे बना के खुद बनाएं और मुझे इसको व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।